वेलकम टू माय चैनल। तो ये सोया करी चंक्स बन के रेडी है, तो आप इसे रोटी से, चपाती से या किसी चीज़ से खा सकते हो। आप चाहे तो राइस से भी खा सकते हो। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। आप यहाँ पे पनीर और चिकन खाना भूल जाएंगे इस तरीके से अगर बनाएंगे तो। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीन वड़ी बनाने के लिए, करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम वड़ी लिया है सोयाबीन की, और मैंने इसे गर्म पानी में नमक डाल के बॉयल कर लिया। फिर ठंडे पानी में धो के इसका पूरा पानी मैंने निचोड़ लिया, देख सकते हो आप। तो अभी मैं इसे थोड़ा मैरिनेशन करूँगी, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही इसमें अलग डिफरेंस पड़ेगा मसाले। तो यहाँ पे मैंने फेटा हुआ दही 100 ग्राम लिया है, वो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची 1 चम्मच और तीखी वाली मैंने 1/2 चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला और नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने वड़ी में भी डाला था। तो ये हम इसे इसमें, आप रेस्टोरेंट वाला बन रहा है ढाबे वाला, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच सोया सॉस डालूँगी। तो रेस्टोरेंट और ढाबे में ये डाला जाता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं रेड चिली सॉस डालूँगी और इसे हम कर लेते हैं मिक्स। और इसे हम मैरिनेशन के लिए साइड में रख देते। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स करके इसे रख दिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये सॉस डालने से है ना, इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर करिएगा। फिर ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाला है। सोयाबीन वड़ी का कड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ के प्याज को रफली चॉप की स्लाइस में काटा है। मेरे पास छोटे छोटे लहसुन की कलियाँ थी, तो मैंने 6 से 7 लिए। आपके पास बड़े हैं तो 4 ही लीजिएगा। अदरक लिया है और 2-4 धनिया के डंडल लिए हैं। इससे है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो प्याज हमारा फ्राई हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही कलर का चाहिए। तो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और हम इसे निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है और इसमें डाल लिया, देख सकते हैं 1 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला है। तो इसे मैं पीस लेती हूँ फाइन पेस्ट। ये हमने फाइन पेस्ट पीस लिया है, तो इसे हम रखते हैं साइड में। मैंने वही कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो यहाँ पे मैं 2 तेज़पत्ता डालूँगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 8 से 9 काली मिर्च और 3 लौंग, 1 चम्मच जीरा। इससे है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब भी हम करी बनाते हैं ना रेस्टोरेंट स्टाइल का, तो ये ज़रूर डालें। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप पनीर और ये खाना भूल जाएंगे, छोले इतना टेस्टी बन गया। अब देख सकते हैं मसाले का फ्लेवर आ चुका है। तो जो मैंने प्याज पीसा था ना, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा पकाया हुआ है। इसे हम लो मीडियम करके पीछे ओल दे। यहीं पे मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करूँ कलर के लिए। ये तीखा नहीं होता है, कलर अच्छा आता है। तो इसके साथ में ये भुन जाएगा और कलर भी अच्छा दिखेगा। तो ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट हम भूनेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाई टू लो मीडियम पे रखा है। आप कलर देख सकते हो मसाले की, कितना प्यारा लग रहा है और खुशबू बहुत आ रही है। तो यहाँ पे जो मैंने मैरिनेशन करके रखा था ना वड़ी को, तो वो मैं ऐड कर दूँगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लो मीडियम रखा है क्योंकि इसमें दही है, फट ना जाए। और इसे हम भून लेते हैं। अभी आप देख सकते हो अच्छे से मैंने भून लिया है।
सोयाबीन का पूरा मसाला अच्छे से पक चुका है। सोया चंक्स करी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तब यहाँ पे मैं पानी डालूँगी। मैंने यहाँ पे गरम पानी यूज़ किया है, आप भी गरम पानी ही यूज़ करिएगा, इससे सब्ज़ी की है ना टेस्ट ख़राब नहीं होता है। और ठंडा डालते ना पानी नॉर्मल वाला तो उससे ख़राब हो जाता है। तो आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप रख लीजिएगा। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, बहुत सॉफ्ट। तो यहाँ थोड़ा गरम मसाला डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी सब मसाले पहले से है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आधा चम्मच के आसपास डालूँगी और एक चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूँगी। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार इस तरीके से मेरे तरीके से बना के देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। तो इसे हम ढक के पका लेते हैं 4 से 5 मिनट तक। देख सकते हो 2 से 3 मिनट तक मैंने पकाया है, तो ऑयल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये 3 हरी मिर्ची को बीच से कट करके मैंने डाला है। आपको नहीं चाहिए, तीखा कम खाते हो तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा हरा धनिया ऐड करूँगी। तो ये हमारा सोया चंक्स करी बनके रेडी है। तो यहाँ पे मैं गैस बंद कर रही हूँ, चलते हैं सर्विंग की तरफ। आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक लग रहा है और ग्रेवी भी आप देख सकते हो। आपको और ठीक चाहिए तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक है और बहुत ही खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आप कैसी लगी। तो आप बिल्कुल मेरी तरीके से एकदम बनाइए परफेक्ट। आप दिखा देते सोया कितना गला हुआ अलग हो रहा है और इसका चिकन और मटन का टेस्ट आता है, इतना अच्छा लगता है ना। तो आप बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।